हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ प्रीति और आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने के लिए, तो जिससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से होती रहे। आप हमारे साथ साथ अगर नोट्स बनाते रहेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास शुरू करने से पहले आपको चलिए दिखा देते हैं कि उसके अन अकेडमी के कुछ प्रमोशनल स्लाइड्स हैं, तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये हैं अन अकेडमी के यूपीएससी के टॉप रैंकर्स हैं, जो कि अन अकेडमी के थ्रू उन्होंने अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया था। इन्होंने अन अकेडमी से तैयारी की थी। जागृति अवस्थी है सेकंड रैंक पर, जो इस बार आई हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में सेकंड रैंक पर आई हैं जागृति अवस्थी। अपला मिश्रा है 9th रैंक पर, सत्यम गांधी है 10th रैंक पर। इन सब ने जो है अन अकेडमी के थ्रू अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया, इन्होंने वहाँ से तैयारी की है। आप भी इसमें इनरोल कर सकते हैं, जल्द से जल्द कर लीजिए। ये हैं टॉप रैंकर्स हैं, रैंकर्स इन टॉप 50 हैं, जो कि अन अकेडमी के हैं। यूपीएससी में इन्होंने टॉप किया हुआ है। जो टॉप 20 रैंकर्स होते हैं यूपीएससी के, उसमें से 7 रैंकर जो है अन अकेडमी के होते हैं, और टॉप 50 में 15 रैंकर्स जो होते हैं वो अन अकेडमी के होते हैं, और 170 से ज़्यादा अन अकेडमी लर्नर जो हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं 20 से 22 नवंबर तक ये जो टॉपर्स हैं, एजुकेटर्स और ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके जो हैं सेशंस होंगे। आपको आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ, आपको बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है, और क्या क्या जो है एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। अन अकेडमी आपको क्या ऑफ़र करता है, कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ये उसके ऑफ़र आप देख सकते हैं। यूपीएससी के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 17 नवंबर से, आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए। यूपीएससी के सीएससी 2022 की प्रिपरेशन और 2023 की प्रिपरेशन के लिए क्लास शुरू हो रही है 17 नवंबर से, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। 2022 के लिए जो है 7 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ, यानी 1 ईयर का जो कोर्स है, आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड्स पे जो कोर्सेस हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कोर्सेस के नेम्स। ये 2022 की जो है बैच शुरू हो रही है 17 नवंबर से, आप देख सकते हैं अलग अलग कोर्स फ्लो है, कोर्सेस के नाम हैं और टीचर्स के नाम हैं, जो आपको हर सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे, गाइड करेंगे। 2023 की बैच के लिए 2 साल का कोर्स है, अलग अलग कोर्सेस हैं, आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेस आपको अन अकेडमी जो है ऑफर कर रहा है। अन अकेडमी 2023 की बैच शुरू हो रही 17 नवंबर से हिंदी और बिलिंगुअल लैंग्वेज में, आप देख सकते हैं कोर्सेज के नाम हैं, टीचर्स के नेम्स हैं, आप जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं, मंडे टू फ्राइडे 10 AM पे होता है सुबह 10 बजे, और मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM शाम को 7:30 बजे भी होता है, टेस्ट सीरीज़ है। और अन अकेडमी कॉम्बैट होता है, 50 मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 60 मिनट्स का होता है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, हर रविवार सुबह 11 बजे, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी अब तक कितनी तैयारी हो चुकी है। और लाइव एंट्री प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपको पर्सनल कोचिंग दी जाएगी, आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे, आपके टेस्ट सीरीज़ होंगे, आपको डेली आंसर राइटिंग बताया जाएगा, किस तरह से आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में किस तरह से आपको आंसर लिखना है, आपके स्टडी बूस्टर सेशन होंगे, आपको वीकली टेस्ट लिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड होंगे सारे, और आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो लिंक दिया हुआ है, आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किस तरह से आपको इसमें इनरोल करना है और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की क्लास की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आप हमें पेपर अपन के साथ तैयार हो जाइए। तो स्टूडेंट्स, हम इस बार करंट अफेयर्स में लाए हैं जो इस समय जो करंट न्यूज़ जो चल रही है उसके टॉपिक्स लेकर आए हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए। तो ये देखिए, हमारा आज का पहला टॉपिक है ये हॉट एयर बलून क्या है, जिसका वाराणसी में आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि हॉट एयर बलून क्या होता है। हॉट एयर बलून की सवारी लोगों को 1000 फीट की ऊंचाई तक ले जाएगी, जिससे वह क्षेत्र के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकेंगे।
आसमान से काशी को देख सकेंगे। 17 से 19 नवंबर तक हॉट एयर बलून शो आयोजित किया जा रहा है। अधिकतम 1000 फीट की ऊंचाई तक जा सकने वाले इस एयर बलून में एक बार में 30 लोग उड़ान भर सकेंगे। एयर बलून को उड़ाने और उतारने के लिए राजघाट के सामने डोमरी CHS खेल मैदान, BLW खेल मैदान और सिगरा स्टेडियम को स्टेशन बनाया गया है। एयर बलून को उड़ाने के लिए 8 पायलट काशी आ गए हैं, जिनमें से 7 विदेशी हैं। पर्यटन विभाग ने इसके लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपये का टिकट रखा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी जो है हॉट एयर बलून का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं वाराणसी में, इस जहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, आप भी जो है इसका लुत्फ ले सकते हैं। तो हम देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक। ये है हमारा अगला टॉपिक, अगला न्यूज़ है। पीयूष गोयल ने किया खुलासा, भारत में बड़े पैमाने पर FDI आकर्षित करने की क्षमता है। पीयूष गोयल ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर CII राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा है कि पिछले 7 वर्षों में हमने लगातार प्रत्येक वर्ष 7 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए रिकॉर्ड FDI आकर्षित किया है और मुझे यह उम्मीद है कि प्रमुख संरचनात्मक सुधार जारी रहेंगे। गोयल ने आगे कहा कि सरकार ने निवेश के माहौल में सुधार के लिए कई अहम नीतियां और कारोबारी सुधार प्रस्तुत किए हैं। एयर इंडिया के निजीकरण जैसा निकटतम और सबसे हालिया निर्णय, जिसकी टाटा समूह द्वारा सफलतापूर्वक बोली लगाई गई थी, उसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पूर्वव्यापी कर को हटाना, जो मुझे विश्वास है कि कई वर्षों से निवेश के माहौल के मामले में हमें महंगा पड़ा है। हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, हमारा अगला करंट न्यूज ये है। फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप में 8 साल बाद नीदरलैंड की वापसी। अब हम जानते हैं कि विश्व कप के लिए क्वालिफाई टीम के बारे में कौन कौन सी टीमों ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, आइए जानते हैं हम इसके बारे में। इस बड़े इवेंट के लिए क्वालिफाई करने की रेस में सभी टीम अपना पूरा जोर लगा रही हैं। नीदरलैंड ने 8 साल के अंतराल के बाद फीफा विश्व कप में अपनी जगह बनाई। इससे नॉर्वे के स्टार इर्लिंग हॉलैंड का विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट में खेलने का इंतजार साल 2026 तक बढ़ गया है। अब 2022 फीफा वर्ल्ड कप के लिए कुल 13 टीमों ने क्वालिफाई किया है। इसमें कतर को मेजबान होने की वजह से ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिला है। आपको बता दें कि 5 बार की चैंपियन ब्राज़ील इस इवेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली दक्षिण अमेरिका की पहली टीम थी, जबकि जर्मनी कतर में अपनी जगह पक्की करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र था। तो अब हम देखते हैं अपना अगला करंट न्यूज़ क्या है। ये हमारा अगला करंट न्यूज़ दिल्ली एयर पोल्यूशन के बारे में है। ये दिल्ली में अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और हम इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं क्या होगा। खराब वायु गुणवत्ता की वजह से दिल्ली NCR में सभी स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को अगली सूचना तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। ऐसे शिक्षण संस्थान जो COVID-19 महामारी की वजह से अब तक बंद थे और खुलने लगे थे, उन्हें पढ़ाई के लिए ऑनलाइन मोड पर वापस जाना होगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि पंजाब, हरियाणा और UP के साथ हुई मीटिंग में हमने दिल्ली सरकार NCR के वर्क फ्रॉम होम लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही NCR में कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगाने तथा इंडस्ट्रीज को भी बंद करने की बात की है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से एयर पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से स्कूल कॉलेज बंद करने के फिर से आदेश आ गए हैं और सारे स्कूल कॉलेजेस अब फिर से ऑनलाइन चलेंगे। तो अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक। यह है हमारा अगला टॉपिक, क्या है करतारपुर कॉरिडोर जिसे सरकार ने फिर से खोलने का फैसला किया है। तो अब हम जानते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं कि करतार कॉरिडोर क्या है जिसे सरकार ने फिर से खोलने का फैसला किया है। करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान को जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा।
उन्हें कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगे होने का सर्टिफिकेट या 72 घंटे से कम समय की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट देनी होगी। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है और पाकिस्तान में भारत पाकिस्तान सीमा से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है। करतारपुर कारी रोड के लिए कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान के कस्बे करतारपुर को पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नानक के साथ जोड़ा गया है। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की जो है करंट अफेयर्स की ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप अपने सवाल हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप जो अपने नोट्स तैयार कर लिए होंगे। इसी तरह से आप अपनी UPSC की तैयारी करते रहिए, करंट अफेयर्स के नोट्स तैयार करते रहिए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और आपको UPSC की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।